हाँ, पर मेरा इतफाक हुआ फिकह जाफरिया की मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने का। मेरा जो मसलक है, अकीदतन मैं हनफी अहले सुन्नत वल जमात से तलक रखता हूँ, लेकिन जनाबे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जो आपकी नज़दीक तरीन मस्जिद है, आपकी नमाज़ वहीं पर है। अगर आप उस मस्जिद को छोड़कर कहीं और जाते हैं तो वो आपकी नमाज़ नहीं है। तो जनाबे फरमाने इमाम जाफर सादिक के, मैं कल मुझे जुमा पढ़ने का इतफाक़ हुआ जामे मस्जिद इमाम बारगाह फिका जाफरिया की, जहाँ जो मरकज़ी मस्जिद है उसमें हुआ। तो मेरे लिए दो तीन जो बहुत ऐसी बातें थी जो जिसे कह सकते हैं कि वो प्लेजेंट सरप्राइज़ थे मेरे लिए बहुत ज़्यादा। पहली एक बात ये थी कि मुझे जुमा पढ़ने जब मैं गया तो मुझे लगा कि शायद ही कोई स्कर्दू का ऐसा बालिग साहिबे अक़ल और जिस पर नमाज वाजिब है, शायद ही ऐसा कोई बंदा हो जो इस इज्तमा में ना शामिल हुआ हो। माशाल्लाह इतना कसीर इज्तमा जुमे का, और वो मैंने मतलब विटनेस नहीं किया अपनी पूरी लाइफ में। मैं पाकिस्तान पूरा घूमा हूँ, पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ। सो मेरे लिए बहुत मतलब बहुत सरप्राइजिंग सी चीज़ थी और बहुत खुशी हुई। दूसरी बात यह है कि इतने बड़े इज्तमा में मैं हाथ बांध कर बाजमात नमाज अदा की, मैं हाथ बांध कर नमाज पढ़ रहा था और बाकी जो मेरे अहले तशय्यो दोस्त थे वो हाथ खोल कर नमाज पढ़ रहे थे। तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा, कहीं से भी ऐसी वाइब्स नहीं आई कि यार मैं इनमें अजीब लग रहा हूँ या ये मेरी वो जो है वो अजीब नज़रों से देख रहे हैं। जिस तरीके से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मुजाहरा मैंने यहाँ स्कर्दू में देखा, वो काबिले सताइश था मेरे लिए। शायद ये प्रैक्टिस और जगहों पर अगर होती भी हैं तो इस इंटेंसिटी से नहीं होती जितनी स्कर्दू में होती हैं। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि एक तो नमाजी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, हर उम्र हर तबका हर शोबे के लोग जो है वो नमाजी थे। मतलब आप थ्री पीस में थे, शलवार कमीज़ में थे, मकामी थे, और हर तबके के लोग नमाज में जुमे में शामिल हुए थे। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से उन्होंने वसीउल कल्ब वो लोग हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो बहुत काबिले सताइश है। और ये जो स्कर्दू की जो एग्ज़ैम्पल है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की, इंटरफेथ हामनी की, बैनुल मज़ाहिब हमांगी और रवादारी की जो मिसाल है, इसको पूरे पाकिस्तान को ना सिर्फ सीखना चाहिए, यहाँ से लेना चाहिए, बल्कि इस पर अमल दरामद करना चाहिए। अगर आपने वाकई बैनुल मज़ाहिब हमांगी को फ़रोग़ देना है तो आप स्कर्दू आएँ। यहाँ पर आप किसी भी मस्जिद, किसी फ़िके की मस्जिद में जाएं, कहीं भी आप जाएं, आपको बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हमांगी आप पर बहुत ज़्यादा मिलेगी, और इस प्रैक्टिस को पूरे पाकिस्तान में फ़रोग देने की ज़रूरत है। जुमे की नमाज से पहले शेख साहब का, फ़िके जाफरिया के जो यहाँ पर इमाम है, शेख साहब का मैंने खिताब सुना, और वो खिताब मुझे नहीं लगा कि कोई किसी मज़हब का या किसी फ़िके का आदमी बोल रहा है। मुझे लगा कि वो जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो जिसकी हमें ज़रूरत है, वो पर्दे पर बात कर रहे थे, वो सोशल नॉर्म्स पर बात कर रहे थे, और इस तरीके से बात कर रहे थे कि जो मुझे कहीं से भी वो फ़िकी वाइब्स नहीं आए कि ये किसी एक फ़िके को मुखातब कर के कह रहे थे। वो आलम इस्लाम की बात कर रहे थे, वो ओवरऑल जो इस्लाम और मुसलमानों को दरपेश मसाइल हैं उनकी बात कर रहे थे। और सबसे बात यह है कि जो बड़ी बात यह है, जो जो समाजी मसाइल हैं, वो शरी जो उसूल हैं जिन पर हम अभी उस तरीके से अमल पैरा नहीं हो रहे, तो उन पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे थे। मुझे लगा कि एक बैनुल मज़ाहिब और बैनुल अकायद का एक जो एम्बेसडर है वो बात कर रहा है, रादर देन एक फ़िका जाफरिया के।